दुनिया में पहली बार हीट वेव यानी प्रचंड लू भरी गर्मी को नाम दिया गया है। हीट वेव का नाम है जोए। इस हीट वेव से स्पेन का सेविल शहर बुरी तरह परेशान है। सेविल शहर में इस हफ्ते जोए की वजह से तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अच्छी बात यह है कि स्पेन और सेविल में मौसम की सूचना देने की प्रणाली बेहतरीन है, इसलिए लोगों को सही समय पर गर्मी के आने की सूचना मिल गई तो लोगों ने तैयारी कर ली। स्पेन समेत सभी यूरोपीय देशों में इन दिनों भयानक गर्मी पड़ रही है। स्पेन के स्थानीय मौसम विभाग ने हीट वेव को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहले कैटेगरी यानी सबसे कम स्तर पर हीट वेव और तीसरा सबसे ज्यादा गर्मी वाला हीट वेव। जोए तीसरी कैटेगरी का हीट वेव है। तीसरी वाली कैटेगरी तब बनती है जब तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है। ये जानकारी प्रोमेटियो सेविला नाम के मौसम संबंधी प्रोजेक्ट ने दी है। जोए एक लौकता नाम नहीं है। तीसरी कैटेगरी वाले अगले हीट वेव्स के नाम भी रख दिए गए हैं। ये है यागो, जेनिया, वेलोसेसाओ और वेगा। प्रोमेटियो सेविला की शुरुआत पिछले महीने ही हुई है। इस प्रोजेक्ट में स्पेन की आधा दर्जन संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी, मौसम संबंधी तकनीकी केंद्र, सरकारी मौसम विभाग आदि जुड़े हुए हैं। सेविल के मेयर एंटोनियो मुनाज ने कहा कि हीट वेव की कैटेगरी बनाकर उसे नाम देने वाले हम दुनिया के पहले हैं। हम इसके जरिए मौसम संबंधी आपदाओं की सही जानकारी जमा कर पाएंगे, लोगों को सूचित कर पाएंगे, साथ ही जलवायु परिवर्तन के असर को समझ सकेंगे। इससे समझ में आ रहा है कि इंसानों को उत्सर्जन कम करना चाहिए। हम सेविल को दुनिया का जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बनाना चाहते हैं, बढ़ती गर्मी से बचाना चाहते हैं। सेविल शहर स्पेन के अंडालुसिया इलाके में है, जो स्पेन का सबसे गर्म क्षेत्र है। यह इलाका समुद्र के पास स्थित है और यहाँ पर सर्दियों का असर कम होता है। स्पेन में जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। साल 2020 से अब तक देश का औसतन तापमान लगभग 1.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जो कि खतरनाक है। लगातार बढ़ती गर्मी से इंसानों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। हीट स्ट्रोक आते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, दिमाग और दिल संबंधी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।